नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ में आपके साथ दिवेनी शर्मा। इस बार विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने सबको चौंका दिया है। यशोधरा के इस निर्णय ने उनके हम उम्र और उनसे बड़ी उम्र के मंत्रियों को भी जो है टेंशन में ला दिया है। 19 जून 1954 में जन्मी यशोधरा का ये कहना है कि अब वे 21 वर्ष की नहीं रही है, वे अब चुनाव नहीं लड़ेगी। शिवराज कैबिनेट पर नजर डाले तो वर्तमान में इसमें 4 मंत्री से हैं जो 1954 में या उसके पहले जन्मे हैं। मंत्रियों के साथ ही सूची में एक नाम विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का भी आता है, वह भी 1954 से पूर्व के जन्मे हैं। 1954 कहीं टिकट कटने का नया फॉर्मूला तो नहीं? अगर ऐसा होता तो मंत्री गौरी शंकर बिसेन, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट और बिसुलाल भी इस टिकट के नए फॉर्मूले के दायरे में आ जाएंगे। यशोधरा के चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद दो अन्य बातें भी सामने आ रही हैं। एक और कहा जा रहा है कि भले ही यशोधरा उम्र और स्वास्थ्य का हवाला दे रही हो, लेकिन क्षेत्र में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वे ये निर्णय ले रही है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि उनके स्थान पर शिवपुरी से भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारना चाहती है, इसलिए यशोधरा से उनकी यह सीट खाली करवाई गई है। वहीं आपको बता दें कि किस उम्मीदवार का कब जन्म हुआ, तो बिसाहूलाल सिंह का जो जन्म हुआ वो 1 अगस्त 1950, गौरी शंकर बिसेन का जन्म 1 जनवरी 1952, मंत्री गोपाल भार्गव 1 जुलाई 1952, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का जन्म जो 28 मार्च 1953, मंत्री यशोधरा का 19 जून 1954, मंत्री तुलसी सिलावट 5 नवंबर 1954। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बात की गारंटी ले चुके हैं कि अब कोई मंत्री स्वास्थ्य का और उम्र का हवाला देकर चुनाव न लड़ने के लिए आलाकमान को पत्र नहीं लिखेगा। यशोधरा जी को 4 बार कोरोना हुआ है, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।